कोर्ट से स्टेट ने के बाद किन से मिले आप? सभी सर, ये राजेश खुल्लर जी हो गए, जो संजय भाटिया जी हैं, जो हमारे डिप्टी सीएम है, सीएम साहब, सभी से मिल लिया जी। आप किस किस से मिल चुके हैं? मैं ये बताना, ये आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि आप अभी तक किससे नहीं मिले हैं, जितने भी 22 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान पानीपत से ही शुरू किया था, और आज देखो पानीपत की बेटियां किस तरह है, इस तरह सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो चुकी। बड़ौदा इलेक्शन नहीं है हमारा टारगेट, हमारा टीजीटी इंग्लिश को भर्ती को पूरी कराना है, हमें बड़ौदा इलेक्शन से कोई लेना। कोर्ट से स्टेट ने के बाद किन से मिले आप? सभी सर, ये राजेश खुल्लर जी हो गए, जो संजय भाटिया जी हैं, जो हमारे डिप्टी सीएम है, सीएम साहब, सभी से मिल लिया जी। क्या कहना उनका? उनका कहना ही बस जल्दी हो जाएगा काम आपका, जल्दी, लेकिन क्या बताएं, समझ नहीं आ रही कब होगा। पाँच साल जल्दी का मतलब समझ नहीं आ, जल्दी होता क्या? पाँच साल में भी अगर आप जल्दी नहीं कर पाए हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं आप सभी के लिए शर्म की बात है। यहाँ पर मैं सरकार पर सीधा कटाक्ष करूँगा, ये नहीं कहूँगा कि सरकार करे, करना होगा आपको, करना होगा, क्योंकि सरकार, युवा, बच्चे, आम आदमी, किसान, सभी सरकार को वोट इसलिए देते हैं ताकि वो युवाओं की या फिर सरकार की, आम जनता की आवाज़ बने और उनका, उनके बच्चों को रोज़गार दे और उनका लालन पालन करे। तो अभी आगे चलते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या मैम नाम है? मोनिया शर्मा, करनाल से हूँ। करनाल से। तो मैम, जो आपकी टीजीटी इंग्लिश वाली भर्ती है, 15 से चली गई है, 5 साल हो गए, अभी आप आज बड़ौदा में आए हैं, अभी गोहाना यहाँ से 8-10 किलोमीटर बड़ौदा है, तो अभी आगे का आपका क्या प्लान है? सर, आज हम लोग यहाँ पर अपनी टीजीटी इंग्लिश की भर्ती को लेकर इकट्ठा हुए हैं, और अब हम यहाँ इस समय हम चंद्रशेखर पार्क में हैं गोहाना के, इसके बाद हम यहाँ से रोज प्रदर्शन करते हुए, नारे लगाते हुए हम बीजेपी कार्यालय बड़ौदा में जाएंगे। वहाँ पर सबसे पहले हम मंत्री जी को, जो वहाँ पर डिप्टी सीएम साहब आए हुए हैं और अजय चौटाला जी आए हुए हैं वहाँ पर, उनको हम अपनी भर्ती को पूरा करने के लिए ज्ञापन देंगे,
और उनसे आग्रह करेंगे कि वो हमारी भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करें। उसके बाद अगर वो हमारी सुनवाई नहीं करते हैं तो हम बड़ौदा में ही अपना अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे। अच्छा, ये आपका प्रोसेस अभी कितना बचता है सर? कि प्रोसेस डीवी हो गया, इंटरव्यू सब हो चुका है या फिर एब्सेंटी को बुलाना बाकी है? क्योंकि कई बार देखा गया है कि बोलने के बाद भी रिजल्ट भी आना है, तो कई बार एचएसएससी ऐसा प्रोसेस लगा देता है, एब्सेंटी को बुलाया, अब इनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, फिर बुला लिया, दो तीन महीने फिर भी निकाल देते हैं। तो डीवी वाला प्रोसीजर ये काफ़ी समय से सरकार चला रही है, डीवी के बाद आगे कुछ नहीं होता। अच्छा, स्टे हटने के बाद कोर्ट के, तो क्या उनको दोबारा वेरिफिकेशन के लिए बुलाया किसी कैंडिडेट? कुछ के एब्सेंटीज को बुलाया गया है, अब इंटरव्यू की प्रोसीजर की हम वेट कर रहे हैं, जो सरकार को जारी करना चाहिए था लेकिन काफ़ी समय बीत चुका है। मैं एक क्वेश्चन का और आंसर देना चाहूँगा सर, आपने कुछ समय पहले पूछा था कि आप किस किस से मिल चुके हैं, मैं ये बताना, ये आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि आप अभी तक किससे नहीं मिले हैं, जितने भी हरियाणा के सांसद हैं, विधायक हैं, आज से नहीं पूरे 5 साल से हम चक्कर लगा रहे हैं, पता नहीं कितने चक्कर हम चंडीगढ़, पंचकूला और सांसदों के, विधायकों के पास घूम चुके हैं, हमारे भाई बहन सब परेशान है, लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही है। सरकार का मेन नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये बात बिल्कुल उलट दिखाई देती है, क्योंकि हमारे साथ जितनी वैकेंसीज आई थी काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट कर चुकी है सरकार, लेकिन हमारे साथ भेदभाव है, कुछ एक और पोस्टें ऐसे जिनकी अभी तक सरकार कंप्लीट नहीं कर पाई है। 2015 के साथ आपकी जैसे टीजीटी इंग्लिश है और भी लेक्चरर की वैकेंसीज आई थी, लगभग सब पूरी हो चुकी हैं, सब पूरी हो चुकी है, लेकिन आपकी नहीं हुई है। हमारी पूरी नहीं हुई है, इसका हमें बड़ा दुख है कि सरकार एक तरफ से मॉडल संस्कृति स्कूल और पता नहीं किन किन से वादे कर रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है? सर, मेरा रविंदर है, रेवाड़ी से। सबसे पुरानी भर्ती हमारी है जो पेंडिंग पड़ी हुई है, बाकी सारी भर्ती इस टाइम की जो निकली सब कंप्लीट कर चुकी गवर्नमेंट। हमसे पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रही है, क्या प्रॉब्लम है टीचिंग टीजीटी इंग्लिश वालों से, जो उन्हीं की पेंडिंग की हुई है। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि भाई हरियाणा के हर एक कोने से, सिरसा से, रेवाड़ी से, करनाल से, पानीपत से, सोनीपत के तो हैं युवा, और ये सिंह का ये भी कहना है कि अगर सरकार उनकी अब भी ये बातें नहीं मानती है, क्योंकि एक प्लान निकल चुका है, तो बड़ौदा में अब सरकार से एक तरीके से विरोध करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि सरकार सख्त हो रही है। सर, हमें भी ऐसा ना हो, हमें भी कुछ सख्त कदम उठाना पड़े, हम भी कुछ इस तरह का हमारा स्टेशन कुछ हमारा ज़्यादा हम बढ़ चढ़ के कुछ ऐसा काम करें कि सरकार को भी सख्ते में आना पड़े। नमस्कार मैम, कांसिल जी आप पानीपत से हैं? जी पानीपत से, जैसे मैंने बताया हर कोने से, पानीपत से। मैडम, आपका अब आगे का, जैसे आपने बताया कि बड़ौदा में जाएंगे और घर घर जाकर या फिर लोगों को जागरूक करेंगे कि सरकार अगर आज हमारे साथ ऐसा कर रही है तो कल को आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि सरकार का काम ये होना चाहिए, जिस प्रकार से हमारा SSC है या और अदर रिक्रूटमेंट एजेंसी है, एक फिक्स टाइम पीरियड है कि इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन हमारा रिटर्न एग्जाम होगा, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर, मैं तो यही कहूंगी बस, हम 6 साल से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान पानीपत से ही शुरू किया था, और आज देखो पानीपत की बेटियां किस तरह है, इस तरह सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो चुकी है। और अब मैं ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ सरकार से भी और HSSC के चेयरमैन सर को भी और मुख्यमंत्री को भी कि हमारी जितनी जल्दी हो सके सुध ले सरकार और हमें मजबूर न करे कि हम बड़ौदा उपचुनाव में निश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर हो। तो आपने देखा सभी भाइयों से बात हुई, भी प्रयास किया है अपनी भर्ती के लिए, पंचकुला भी गए, चंडीगढ़ भी गए हैं, संदीप जी से मैं वहाँ मिला भी था, लगातार प्रयास करें। सरकार से एक ही गुजारिश है कि भाई हमारा रिजल्ट जारी किया जाए, जल्द से जल्द जारी किया जाए। इससे हमारा टारगेट बड़ौदा इलेक्शन नहीं है, हमारा टारगेट हमारा TGT इंग्लिश को भर्ती को पूरी कराना है, हमें बड़ौदा इलेक्शन से कोई लेना, हम स्मूथली चले, हम चाहे सरकार का पहला नारा यही रहा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सरकार वही काम पूरा नहीं कर रही है। शायद जो टीजीटी इंग्लिश वाले बेचारे 6 साल से 7 साल से कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, आज सड़कों पर आना पड़ रहा है, क्यों आना पड़ रहा है, ये सरकार की कहीं ना कहीं कमी हमें लगती है। इसमें कितने पद थे सर टोटल? सर 1035 पद थे। और कितने अभी साथी हैं आपके साथ जो भी प्रदर्शन? हमारे यहाँ पे सैकड़ों साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो अभी हैं, बाकी लोग आ रहे हैं अभी शाम, और अब हम आगे जाएंगे तो अभी शायद 700-800 कैंडिडेट आज हमारे सारे पूरे हो गए। 5 साल हो गए सर, इंटरव्यू भी नहीं हुआ अभी तक? इंटरव्यू हो चुका है कुछ, जो लेकिन जो अभी इंटरव्यू जो एब्सेंटीज का उनका नहीं, पेंडिंग पड़ा हुआ है, बाकी हो चुका है, बाकी सब कुछ कंप्लीट है, सिर्फ रिजल्ट निकालना गवर्नमेंट का एक सीधा सा मकसद है। चाहे तो एक दिन में, अगर आज चाहे तो सरकार आज ही लिस्ट आउट कर सकती है, लेकिन शायद जहाँ पे सरकार कोई मंशा लग नहीं रही है, 5-6 साल से अगर इस चीज़ को लटका रही है, कहीं ना कहीं सरकार के मन में कुछ और ही बात लग रही है। क्यों यही सिर्फ एक ये टीजीटी इंग्लिश पे ही क्यों लटकाया हुआ है काम, बाकी सारी भर्तियां पूरी हो चुकी है, जबकि कोर्ट का होता है, कोर्ट पे स्टे है, तब तक आप रोक सकते हैं, तब तक हम लोगों ने भी कोई एजिटेशन नहीं किया था, लेकिन जैसे ही कोर्ट से स्टे हटा, हम शायद हम फिर सड़कों पे हमें आना पड़ा। हमारी रिक्वेस्ट यही है सरकार से हाथ जोड़ के
कि हमारे सरकार हमारी भर्ती को कृपया पूरा करे, तो हम में जाके हम भी आराम से संतुष्टि से अपनी नौकरी करें और अपने बच्चों को पाल सके। ओके सर, बहुत बहुत। तो युवाओं का यही कहना है कि अब तो सरकार के पास कोई पर्टिकुलर कोई रीज़न भी नहीं है कि भी कोर्ट की तरफ से स्टे है, कोर्ट की तरफ से भर्ती को क्लीन चिट है। शीघ्र से शीघ्र अति शीघ्र इन युवाओं का निवारण किया जाए, इनका रिजल्ट जारी किया जाए। अगर कोई कहीं सेलेक्ट नहीं होता है वो अपने फ्यूचर की तरफ देखे, आगे किसी और भर्ती की तैयारी करे या कोई और अपना काम करे। तो इन सभी सैकड़ों युवाओं का साथियों का यही एक सरकार से रिक्वेस्ट है या फिर कहिए एक मनसा है कि भाई हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। धन्यवाद।